असलकुम वेलकम टू दावत लज़ीज़ विद सुल्ताना कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक हों और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ आप देख ही रहे हो यहाँ पे मैंने राय गोभी बनाई है बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है रमज़ान का महीना आने वाला है इबादत का महीना है तो हम लोगों को शहरी के लिए जो आसान चीज़ें हैं रेसिपी बन सकती हैं उसको हम चुनते हैं क्योंकि हमारा टाइम बच जाए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है आपकी रोटी के लिए आराम से बन जाती है और शहर में हम प्रेफ़र करते हैं कि रोटी ही खाएँ और ट्राई कीजिए इसको बहुत आसानी से बनने वाली ईमी एंड टेस्टी राय को भी चले हम इसको बनाते हैं अभी मैंने यहाँ पे दो स्पून ऑलिव ऑयल लिया हुआ है आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ पे ये डाइट के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टू स्पून ऑलिव ऑयल लिया हुआ है और इसमें मैंने ऐड किया हुआ है गार्लिक गार्लिक को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है मैंने तीन क्लोज लिए थे इसको अच्छे से चॉप कर दिया है और मैंने इसमें ऐड किया है कुछ करी लीव्स और साथ ही साथ मैं इसमें ग्रीन चिलीज डाल दूंगी और वन स्पून मैंने यहाँ पे राई डाल दिया है एज़ आई सेड ये राय गोभी है तो वन स्पून राय बनती है आप जितना क्वांटिटी गोभी लेते हो उस हिसाब से इसको ऐड करना और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना वन अनियन मैंने चॉप कर लिया था उसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इसको हम अच्छे से फ़्राई कर लेते हैं ऑनियन जल्दी फ्राई करने के लिए आप इसमें नमक ऐड कर लो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है मैं यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से वन स्पून सॉल्ट ऑलरेडी ऐड आड़ कर दी कर रही हूँ तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप आगे ऐड कर सकते हो और इसके साथ साथ मैं अभी कुछ मसाले इसमें ऐड करती हूँ सबसे पहले मैं लूँगी वन स्पून टर्मरिक और हाफ स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ स्पून आमचूर पाउडर आमचूर नहीं है तो आप लेमन यहाँ पे लेमन जूस यूज़ कर सकते हो और हाफ स्पून गरम मसाला अच्छे से फ्राई कर लें आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करोगे तो इतना ड्राई नहीं बनता है मैंने एज एसेड ए डाइट के हिसाब से बनाया हुआ है तो ये ड्राई बन ड्राई मसाला हो जाता है इसमें हम ऐड करते हैं गोभी मैंने गोभी ऑलरेडी बॉईल कर लिया था इसको अच्छे से दस से पंद्रह मिनट तक बॉईल कर लें और पानी स्ट्रेन करके रख लें इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको पाँच से छः मिनट तक हम ढक के कुक करते हैं गोभी बन चुकी है इसको मैं कोरिएंडर से गार्निश करूँगी और आपको सर्व करके बताती हूँ दिया अपने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको देख चुके हो बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनती है रमज़ान महीने के लिए बहुत सही रेसिपी है बहुत ही क्विक बनती है मैं इसको बिना रोटी के ऐसे ही खा लेती हूँ क्योंकि इसमें जो वो खटास वाला टेस्ट है बहुत ही यमी लगता है एंड रोटी के साथ ये बहुत ही सही होता है आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसी इससे अच्छा बनता है ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे बना था और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़